खुश मेरा बच्चा, हो गया बेटा हो गया। देखो कांति, मैंने चुनमुन को डीपीटी का तीसरा टीका लगा दिया है। जी। ये इसे काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस से बचाएगा। जी। ये लो कांति, मैंने चुनमुन का टीकाकरण कार्ड भर दिया है। ये बहुत जरूरी है, इससे पता रहता है कि बच्चे को कौन कौन सा टीका लग गया और कौन सा बाकी है। अब इसे 9वें महीने में खसरे का टीका लगेगा और विटामिन ए की खुराक भी मिलेगी। आज तो मैं दूसरे गांव में टीकाकरण करने जा रही थी, तुम यहाँ आ गई इसलिए टीका यहीं लग गया, पर अगली बार इसे कैंप में जरूर लाना। ये तो बहुत बढ़िया हो गया बहन जी। अच्छा कांति, इस दवा से चुनमुन को बुखार भी आ सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दवा असर कर रही है। और अगर बुखार तेज हो जाए तो ये पैरासिटामोल की गोली अपने दूध में अच्छे से मिलाकर इसे पिला देना, और ये तभी देना जब बुखार तेज हो, समझ गई ना? जी बहन जी। और हाँ, तुम इसे अपना दूध पिला रही हो ना? याद है ना कि 6 महीने तक कोई ऊपरी आहार नहीं, पानी तक नहीं। मैं आपकी बात कैसे भूल सकती हूँ बहन जी, कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना अच्छा है, ये उसे ताकतवर और दूसरा क्या बताया था आपने मुझे? और ये इसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। देखो कांति, माँ का दूध बच्चे के लिए एक तरह से पहला टीका होता है जो उसे डायरिया, छाती और कान में होने वाले संक्रमण से बचाता है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है कांति, तो बच्चा जब तक दूध पिए उसे पिलाते रहना चाहिए, और कम से कम 6 महीने, ठीक है? हाँ, देखा ना बहन जी, मुझे आपकी सब बात याद है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सारी बातें याद रखो, और देखना हमारा चुनमुन बड़ा होके एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा बनेगा। मैं तो याद रखूंगी बहन जी, पर अपनी सास का क्या करूं? वो तो अभी से ही चुनमुन को दलिया और खिचड़ी खिलाने की जिद करती हैं। कांति, मुझे लगता है तुम्हारी सास को बच्चे की बहुत फिक्र है, और शायद वो ये नहीं जानती कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और कोई भी ऊपरी आहार बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। जी, रोज समझाती हूँ, पर कोई बात नहीं, और समझाऊंगी। इस बार कहूंगी कि गांव की सरपंच जी ने कहा है कि जो माँ अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक अपना दूध पिलाएगी उसे इनाम मिलेगा, तब शायद जल्द समझ में आ जाए मेरी सासू माँ को। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते आशा बहन जी। नमस्ते। अरे कमला, तुम? सब काम हो गया बहन जी, वो पुष्पा को पीएचसी से एफआरयू ले गई थी, वहाँ उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे खून की कमी जो थी, अगर हम उसे लेकर एफआरयू नहीं जाते तो पता नहीं क्या हो जाता, और उसे वहाँ खून भी चढ़ाया गया। अब कैसी है पुष्पा? अब ठीक है, वो बेटा हुआ है उसे। पर क्या हुआ कमला? दरअसल बहन जी, वो पुष्पा बिना डॉक्टर साहब की मर्जी से ही एफआरयू से घर चली गई। डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, उसे कुछ दिन वहीं रहना होगा। मैंने भी मौसी से बहुत कहा कि पुष्पा ठीक नहीं है, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वो उसे लेकर घर चली गई। ये उन्होंने ठीक नहीं किया। हाँ बहन जी, अब बहन जी मैं एक बार फिर जाकर पुष्पा को दिखाती हूँ। कल से न्योता दिया हुआ, तू आ जाइए। हाँ, लो लो, अब बैठो बैठो बैठो। तुम्हारा लड़का क्यों नहीं आया? हाँ, फिर तो बुलाया था, ये लो। हाँ, उसके लिए भी लड्डू लेके जाना, ये लो। अरे वहाँ ऐसे कैसे बैठी हो, लो ना। अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये लड्डू बांटो ना। हाँ, पोता हुआ है मेरे। अरे बद्री, बद्री। हाँ अम्मा। अरे बेटा, बखत हो रहा है, लल्ला को लेके जा रहा है ना कुल देवता के दर्शन कराने। हाँ अम्मा। चलो चलो, ला मुझे, मुन्ना को मुझे। आज मेरा बच्चा, मेरा पोता, आज मेरा चांद सा मुकड़ा है तेरा।
अरे चलो 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 मंदिर जाएंगे चलो भाई चलो। अरे चलो ना, कैसे धीरे धीरे चल रही हो। हाँ क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? हो गया नाम शगुन। अच्छा हुआ ये लल्ला मेरी गोद में था, नहीं तो ये तो इसे गिरा ही देती। अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? क्या हुआ पुष्पा? तुम ना चल पाओगी जी, पर पूजा है। अब रहने दे, अब ये नहीं चल पाएगी तो क्या गोद में उठा के ले जाएंगे? बेटा पूजा बखत पे हुआ करे। अरे पंडित जी रहा देख रहे होंगे। चल देख, बेटा तो तेरा ही है ना, फूल तो तेरा ही चलेगा है ना। चल चला पुष्पा, तो ठीक तो है ना? ठीक हो, जल्दी आता। श्यामलाल ने मारा नहीं था उस बच्चे को, उसे खुद पाला था। श्यामलाल की अपनी कोई औलाद नहीं थी, उसने उस बच्चे को अपना नाम दिया। और फिर एक दिन श्यामलाल बड़े साहब की जान बचाते हुए मारा गया और उस बच्चे को बड़े साहब श्यामलाल का बेटा समझकर अपने घर ले आए। देखो तो राम की लीला बेटा, बाप के रोते बेटा अनाथ कहलाया। मुझे आज भी याद है उस बच्चे की, बहुत सुंदर बच्चा था, बिल्कुल चांद की तरह। एक बड़ा सा भूरा निशान था उसके बाजू पर, शायद खुद ऊपर वाले ने नजर का टीका लगाकर भेजा था उसे। इस तरह पड़ी क्यों है? पता नहीं भैया, मैं जब यहाँ आई तो ये जमीन पर पड़ी थी। देखो यहाँ के जान ही ले ली इस चुड़ैल ने। पर क्या ये सब पता करना पुलिस का काम नहीं है?
अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।